गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम मैं आज जाने वाली हूँ एक्सप्लोर करने सरोजिनी नगर मार्केट। एंड यू नो गाइस की फर्स्ट डे है आज, जो कि मैं लॉकडाउन के बाद यू नो स्टेप आउट कर रही हूँ। और इस ब्लॉगिंग के लिए भी मेरे को मम्मी से बहुत मशक होता कि बात परमिशन मिला है कि मैं बाहर जा सकती हूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना सरोजिनी नगर मार्केट एक्सप्लोर किया जाए कि अभी के इस पेंडेमिक में और आफ्टर द लॉकडाउन का वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या शॉप्स ओपन है कि नहीं, वहाँ पे हम शॉपिंग कर सकते हैं कि नहीं, और क्या वहाँ पे जाना सेफ है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में भर चुके थे जिनका मैं आंसर एक साथ नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक्सप्लोर करके इन सबको आंसर किया जाए। और टोटली ट्रस्ट मी गाइस कि मैं यहाँ पे कोई भी शॉपिंग करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करने जा रही हूँ कि अभी वहाँ पे एक्चुअली सिचुएशन क्या चल रहा है। एंड मैंने अभी उबर किया है, तो जैसी क्या बात है मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। और ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। सो लेट्स गो। अभी बंद नहीं है, अब पूरी तरह से मार्केट अभी खुला भी नहीं है। यहाँ पे कुछ कुछ एस्टेब्लिश शॉप्स जो है जो कि परमानेंट है वो यहाँ पे ओपन है। बाकी कुछ कुछ जैसे आप देख सकते हो जो आउटसाइडर वेंडर्स होते हैं उनके सारे शॉप्स अभी बंद है। लाइक आई डोंट नो कब तक ये बंद रहेगा, बट अभी कुछ टाइम के लिए तो पूरी तरह से लाइक बंद है। तो मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट्स दिखाती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा है अभी दिखने में मार्केट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी आउटसाइडर वेंडर्स के जो शॉप्स है वो इस तरह से बंद है। यहाँ पे कोई भी शॉप्स यहाँ पे इस तरह से खुले नहीं हैं। जो यहाँ पे एस्टेब्लिश शॉप्स है वो ही सिर्फ यहाँ पे खुले, और बाकी जहाँ पे हमको अच्छे सेल में सारी चीज़ें मिलती थी वो सारी शॉप्स वहाँ पे बंद है अभी। आप लोग जैसे जानते थे जैसे कि ग्रफिटी लेन इतना ज़्यादा यू नो फेमस है कि यहाँ पे इस एरिया में आपको सारे बहुत ही ट्रेंडी शीन टाइप के टॉप्स मिलते थे, एंड इस एरिया में आपको सारे वाइट आउटफिट मिल जाते थे। बट अभी आप यहाँ का सीन देखो, लाइक पूरा एम्प्टी है, लाइक टोटली एम्प्टी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ पार्किंग लॉज के अलावा कुछ नहीं लग रहा है ये। सो अभी आपको ग्रफिटी लेन में कुछ भी नहीं मिलने वाला गाइस। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं सारे शॉप्स यहाँ पे बंद नहीं है। यहाँ पे कुछ कुछ जो एस्टेब्लिश शॉप्स है जो कि परमानेंट शॉप्स है या फिर बड़े बड़े शोरूम्स है वो यहाँ पे अभी ओपन हैं, और कुछ मेरे को खास अभी कलेक्शन नज़र नहीं आया था। हाँ कुछ कुछ शॉप्स में यू नो मेरे को कुछ कुछ चीज़ें नई नज़र आई थी कलेक्शन में, और काफ़ी अच्छा सेल में भी प्रोडक्ट मिल रहा है बिकॉज अभी मार्केट पूरी तरह से बंद है, लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। तो जितने भी कस्टमर आ रहे हैं उनके लिए वो लोग कुछ अच्छा सेल में ही प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मैंने ज़्यादा कुछ अभी एक्सप्लोर नहीं किया था। अगर आप लोग कुछ न्यू कलेक्शन देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर एक्सप्लोर करूँगी न्यू कलेक्शन भी मार्केट का। सो गाइस अभी कुछ कुछ चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं कि न्यू कलेक्शन में मेरे को क्या क्या अभी दिखा था। सो यू नो ये जो आपको मार्केट में जो 200 रुपीज़ के सेल में जो डेनिम पैंट्स मिलती थी उनकी कलेक्शन अभी आपको थोड़ी कम मिलेंगी बिकॉज ये वाली सेल ज़्यादातर आउटसाइडर वेंडर्स के जो शॉपकीपर्स है वो ही रखते थे। एंड इस तरह के कुछ यू नो क्रॉप शर्ट्स मेरे को मार्केट में नज़र आए थे, एंड ऑफ शोल्डर काइंड ऑफ अ टॉप भी इस बार आपको कलेक्शन में दिख जाएंगे। साथ ही साथ यू नो बोहेमियन काइंड ऑफ अ बोहो काइंड ऑफ अ टॉप्स एंड श्रग्स आपको मार्केट में दिख जाएंगे। साथ ही साथ यू नो कैमी एंड स्ट्रैपी काइंड ऑफ टॉप्स भी इस बार हैं, और धोती पैंट्स जो होते हैं वो भी कलेक्शन में आए हैं। और जो 200 रुपीज़ में जो आपको कुर्ती और प्लाजो की सेल
मिलती थी वो आप अभी आपको कुछ कुछ शॉप्स में यू नो 100 रुपीज़ में मिल जाएंगी। एंड इस तरह की कुछ डेनिम स्कर्ट्स जो कि सरोजिनी नगर में काफ़ी चीप रेंज में मिल जाते हैं, इनकी भी शॉप्स अभी काफ़ी ज़्यादा कम आपको दिखेंगी। और इस तरह के कुछ बोहेमियन टॉप्स आपको ज़्यादातर दिखेंगे। एंड ये जो इंसेंस वाली जो लेन है ये भी आपको प्रॉपर तरीके से खाली मिलेंगी, कुछ कुछ जो परमानेंट शॉप्स है वही वहाँ पे ओपन है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सारी शॉप्स होती थी, और ये जो दुर्गा मंदिर के बाहर जो ये मैश टॉप का जो शॉप था वो भी इन्होंने काफ़ी कम क्वान्टिटी में सारे टॉप्स को यहाँ पर यू नो डिस्प्ले में रखा था, बहुत ही कम क्वान्टिटी में, जितना कि आपको अभी दिख रहा है उससे ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर प्रोडक्ट्स नहीं रखे थे। एंड दुर्गा मंदिर के साइड में ही बिक्सी के साइड में एग्जैक्ट ये यहाँ पे नाइट सूट का काफ़ी अच्छा सा कलेक्शन आपको मिल जाएगा। एंड मैंने पहले भी मेरे व्लॉग में दिखाया हुआ है, ये बिक्सी के ऑपोजिट में अगर आप बॉयज़ के लिए कुछ अच्छा कलेक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे दो शॉप्स है जहाँ पे आपको यू नो मेंस के लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। एंड बिक्सी के एकदम साइड पर ही एक शॉप है जहाँ पे यू नो गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, लाइक स्लोगन एंड प्रिंटेड क्यूट क्रॉप टीज के काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएंगे। एंड इसी तरह के यू नो कुछ समरिश टॉप्स एंड टी शर्ट्स आपको 100 रुपीज़ के सेल में मिल जाएंगे। एंड ये जो किन्स का जो किन्स शोरूम का जो लेन है वहाँ पर ये दो तीन शॉप्स एक साथ ही है जहाँ पर इन्होंने यू नो सेल में डिस्प्ले करे हुए सारे चीज़ें आउटफिट्स लाइक कुर्तीज शॉर्ट्स टॉप्स एंड प्लाजो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी 100 और 200 रुपीज़ के सेल में। सो या गाइस इतना ही मैंने अभी एक्सप्लोर किया, अगर आप लोग को और सारी चीज़ें देखनी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं न्यू कलेक्शन आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करके ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मेरा आज का ये व्लॉग अगर अच्छा लगा है आप लोगों को तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इस तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो या मिलती हूँ नए वीडियो में नए तरीके के साथ, तब तक के लिए मुझे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ।